ज माइन रिजवान चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ डी एच ए नाइन आज इस वीडियो में आपको डी एच ए नाइन की लोकेशन के हवाले से नंबर वन के डी एच ए नाइन की लोकेशन कहाँ भी बनती है नंबर टू के डी एच ए नाइन डी एच ए का जो प्रोजेक्ट है ये कब तक लॉन्च होगा नंबर थ्री के डी एच ए नाइन में किस साइज के प्लाट्स अवेलेबल होंगे या भी जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं प्लाट्स किस साइज के प्लाट्स हैं नंबर फोर के जो लैंड गेज फाइल या फिर डेविट फाइल्स मार्केट में ये क्या चीज़ होती है मैं आपको इस बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी तो आप अगर चाहें तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके जाकर डायरेक्टली वो टॉपिक भी देख सकते हैं नंबर फाइव डीएचए नाइन इन्वेस्टर्स के लिए कितना फायदा साबित होगा तो ये मेन जो पांच टॉपिक्स हैं डीएचए तो की की तो तो नहीं की, बट तो तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जहां पर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है उसके ऑपोटि डीएचए की नाइन की लैंड प्रक्योरमेंट हो रही है इस वक्त काफी हद तक बड़े नंबर में लैंड प्रिक्योरमेंट हो चुकी है और मजीद लैंड की प्रिक्योरमेंट जारी है अभी इसका ऑफिशियली सोसाइटी ने कोई लोकेशन के हवाले से लैंड के

again कन्साइड करेंगे लेकिन ये बाद में वक्त की बात है पता टाइमिंग डी एच ए नाइन की लोकेशन ऑफिशियली रिवील नहीं है बट अनऑफिशली लोकेशन जो है वो अपोजिटिट टू कैपिटल स्मार्ट सिटी इनफैक्ट जो फोटेज आप देख रहे हैं सारी उसी एरिया की फोटेज है जो डी एच ए नाइन की लैंड बनती है नंबर टू का डी एच नाइन का प्रोजेक्ट है मैं बता दिया कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है नंबर थ्री के डी एच ए नाइन में किस साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं आमतौर पर डी एच ए जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो डी एच ए की कटिंग जो मेन कटिंग्स होती हैं इनिशली फर्स्ट फेज़ में वो कटिंग्स होती हैं पचास बाय नब्बे के प्लॉट की फिफ्टी बाय नाइन्टी के प्लॉट यार्ड्स में बात करें तो पांच सौ का और बात करें मरलों में तो बीस मरले और एक केनाल के प्लाट्स ये जो एक केल के प्लॉट्स लॉन्च होंगे डीएचए नाइन में इनकी जो प्राइस क्या होंगी इस बारे में सोसाइटी की तरफ से या ओवरऑल डी एच की मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली चीज डिक्लेयर नहीं की गई तो डीएचए नाइन कंफर्म आ रहा है लैंड का एग्जैक्ट ओपन पता है कहाँ पे है लैंड की कितनी लैंड प्रक्योरमेंट होगी तो अब तो आउट नहीं है लेकिन बहुत बड़ा नंबर है लैंड का जो आउट हो चुका है एंड डी एच में किस साइज के प्लॉट हैं तो एक किनाल के प्लाट्स होंगे मोस्टली बाद में छोटे साइज भी आ सकती हैं जो शौदा कोटे और डिफरेंट कोटे में प्लॉट आते हैं लेकिन मोस्टली डी एच में सिर्फ शुरू में किनाल के प्लॉट प्लॉट्स होंगे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शुरू में कुछ नंबर छोटे प्लॉट्स के भी लॉन्च हों अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे कि लैंड अगेंस्ट और एफिडेविट फाइल्स क्या हैं अब ये जो पॉइंट है ये सारे अभी जो आजकल डी एच के हवाले से जितनी क्यूरीज आती हैं उन क्यूरीज का आंसर ये वाला क्वेश्चन है ये वाला आंस इस क्वेश्चन का आंसर है कि डीएचए में अगेंस्ट लैंड या एफिडेविट फाइल्स क्या होती हैं अब प्रोसेस को यूँ काम करता है कि डीएचए ने कभी भी आमतौर पे पास्ट में ये हुआ है कि डीएचए कभी भी पैसे देके लैंड प्रिक्योर नहीं करता या करता भी है तो बहुत कम नंबर के ऐसी लैंड होती है जो डीएचए पैसे दे के प्रिक्योर करता है आमतौर पर डीएचए एच ए जो एकदम बड़ा ब्रांड है तो डीएचए एच जहाँ भी जाकर लैंड की प्रिक्योरमेंट स्टार्ट करता है तो अगेंस्ट लैंड या एफिडेविट फाइल्स पहले मार्केट में आती हैं सेम हैपन इन डीएचए मुल्तान सेम हम इन डीएचए एच गुजरा वाला सेम हेपन इन डीएचए डी एच ए टू डी फाइव डी थ्री एवरीवेयर डीएचए का सेम एक ही प्रोसीजर चलता आ रहा है पास्ट में क्योंकि डीएचए एक ब्रांड की वैल्यू रखता है तो जाहिर सी बात है लोग जब अपनी लैंड होती है वो उसको मार्केट रेटों का 20 से 25 लाख एकड़ का जब डीएचए वन लॉन्च होगा तो रेट चला जाएगा 80 90 लाख रुपए एकड़ का जो भी रेट होगा तो डीएचए अगेंस्ट लैंड या फेडेविट फाइल्स कुछ ऐसे काम करती हैं कि अगेंस्ट लैंड प्लॉट में डीएचए एकड़ के बदले में एक नाल की फाइल देते हैं फॉर एग्जांपल आपकी जमीन है रॉ लैंड है एक एकड़ तो एकड़ की वैसे वैल्यू मालियत थी वो बनती थी आपकी तीस पैंतीस लाख या पच्चीस लाख या जो भी एकड़ बनती थी तो उसमें फिर डी एच ए आपको जब एक कनाल की फाइल एफिडेविट इशू करता है तो उसके बाद उस लैंड की वर्थ आप समझ लें कि आपने एक एकड़ एक एकड़ के बदले एक कनाल की फाइल यानी कि एक एकड़ में आठ कनाल होते हैं तो सात कनाल जो लैंड होती है वो डी एच ए के पास रहती है बदले में एक कनाल की एफिडेविट फाइल या अगेंस्ट लैंड फाइल जो है वो मेंबर को एलोकेट कर दी जाती है नाइन्टी परसेंट चांसिस में ये होता है कि जिस जगह डी एच ए लॉन्च करता है वहाँ पर ऑलरेडी आर्मी के सीनियर अफसरान रिटायर्ड हुए होते हैं इट कुड बी जनरल इट कुड बी मेजर जनरल इट कुड बी आर्मी चीफ इट कुड बी जिनकी ऑलरेडी आर्मी की तरफ से लैंड इशू ही होती है जो वो लैंड के बदले में अपनी अगेंस्ट लैंड फाइलें लेके एक बड़े नंबर में इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ले लेते ले हैं तो आमतौर पर डीएचए का ये प्रीवियस तरीका है अभी डीएचए नाइन की लैंड में बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हैं जिनकी लैंड यहाँ पर थी तो उनको डीएचए नाइन की तरफ से जब उनकी लैंड मर्ज होगी बीच में तो अगेंस्ट लैंड जो है एफिडेविट फाइलें मिल गई हैं अभी आज की डेट में अगर देखते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल अगर पूछते डीएचए प्लॉट चाहिए उन्हें तो आज को आपको मार्केट से नब्बे पचानवे एक करोड़ के ब्रैकेट में जो प्लॉट मिलते हैं वो डीएचए नाइन की बेसिकली एफिडेविट फाइलें मिलती हैं एफिडेविट फाइलें मार्केट में जो है इस वक्त वो ट्रांसफरेबल नहीं है आप उनकी तरह कोई भी प्लॉट होता है उसकी जाके हेड ऑफिस में बैठते हैं एक तरफ सेलर बैठता है एक तरफ परचेजर बैठता है प्रॉपरली प्लॉट ट्रांसफर हो जाता है ऐसा कुछ स्नैरियो आज के डेट में डीएचए में एग्जिस्ट नहीं करता तो अगर आप डीएचए में एफिडेविट फाइल लेते हैं हाँ आप ये जरूर कर सकते हैं कि उस एफिडेविट फाइल को आप डीएचए की हेड ऑफिस से वेरीफाई कर सकते हैं जब हेड ऑफिस से आप वेरीफाई करते हैं तो आपको पता चल जाता है ये फाइल जैनवन है या फेक है जब साइट से फाइल वेरीफाई होती है तो हेड ऑफिस में बैठ के ही सेलर परचेजर आपस में एफिडेविट पे एक दूसरे स्टाम पर अपनी बारह सौ रुपये वाला जो स्टाम्प होता है उस पर प्रॉपर ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और फाइल ले, ले लेते हैं अब एफिडेविट फाइलें क्यों खरीदनी चाहिए अब एफिडेविट फाइलें खरीद के बाद में मार्केट में क्या रेट का फर्क आता है इसकी इग्जाम्पल मैं रिलेट करूँगा डीएचए गुजरा से तो डी एच गुजरा में एफिडेविट फाइल आई थी जब तो उसका मार्केट रेट था चालीस लाख रुपया डी ने कनाल का जब प्लॉट लॉन्च किया तो ओवर वन करोड था तो डी में जो जो फाइलें थी जो लमसम कैश की फाइलें होती हैं उनकी वैल्यू सत्तर अस्सी लाख तक चली गई थी अभी यहाँ पर ऑपोजिट टू कैपिटल स्मार्ट कैपिटल स्मार्टी में किनाल का प्लॉट है पचानवे लाख रुपए का डेवलपमेंट चार्जेस में के तकरीबन जाएगा करोड़ चालीस लाख तक एक करोड़ चालीस लाख का प्लॉट कैपिटल स्मार्टी का तो कैटेगरी वैर हम ला के करीब आप कह लें कि डेढ़ करोड़ उसके ऊपर जो प्रॉफिट वगैरह होगा मिला के तकरीबन पौने दो करोड़ तो एक्सपेक्टेड है कि डी एच ए का रेट यहाँ पे दो करोड़ के आसपास लॉन्चिंग होगी आप कह लें वन सेवेंटी से टू करोड़ के दरमियान एक ब्रैकेट होगी जब डी एच ए इसको लॉन्च करेगा अब डी एच ए जब एक करोड़ इसमें एक बड़ी ब्रैकेट में जब इसको लॉन्च करेगा पौने दो करोड़ की ब्रैकेट में तो उस ब्रैकेट में जब एफिडेविट फाइलें होंगी जो भी मार्केट में इस टाइम अस्सी पचासी नब्बे पचानवे लाख करोड़ के आसपास ट्रेड हो रही हैं ये फाइलें मेरी जाहिर सी बात है इसमें एक बड़ा जंप आएगा तो इसलिए जो लोग पुराना डी एच ए के साथ काम करते हैं इनका डी एच ए पर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो लोग डीएचए से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उन लोगों ने एफिडेविट फाइलों की प्रिक्योरमेंट की है और यही फाइलें बाद में आगे सेल में आएंगी तो इनकी कैश पे वैल्यूज होगी उसमें काफी अच्छे जंप्स आएंगे तो ये होती है एफिडेविट फाइल्स और अगेंस्ट लैंड फाइल्स कि यानी अगर आपके पास एक एकड़ जमीन है तो बदले में एक कनाल की फाइल कुछ केसेस में दो जमीन के रेट की बात सारी कि वहां पर जमीन का रेट क्या है लड़े से बीस लाख एकड़ है तो डीएचए दो एकड़ के बदले आपको एक कनाल की फाइल देगा तो इस तरह आपको अगेंस्ट लैंड जो फाइल होती हैं या तो आठ कनाल के बदले एक कनाल या तो सोलह कनाल के बदले एक कनाल बाकी लैंड डीएचए अपने पास रखता है तो ये डी

जो एफिडेविट फाइल है उसका सारा मिथ है जो आमतौर पर लोग पूछते हैं एफिडेविट फाइल क्या होती है तो आपने जिस गांव के बंदे ने जिसके पास ज़मीन थी लड़ से सौ एकड़ उसको बदले में अगर ज़मीन का रेट कम था तो सोसाइटी ने पचास कनाल की फाइलें दे दी कनाल कनाल के पचास प्लॉट दे दिए जब एफिडेविट फाइलें कैश पे होती हैं मुकम्मल जब वो डिलीवर होंगे तो वो करोड़ों में चले जाएंगे अदरवाइज वो भी, भी सेल करता है तो मार्केट में नब्बे पचानवे लाख का प्लाट आज भी डेट में मार्केट में बिकता है अब लास्ट पॉइंट इसके इन्वेस्टर्स के लिए डी में कितना फायदा है या कितना फायदामंद साबित होगा इन फ्यूचर इन्वेस्टर्स के लिए डी का बहुत ज़्यादा बेनिफी ऑफिशियल साबित होगा रीजन इज के डी इज़ वन ऑफ़ द बिगेस्ट ब्रांड विदाउट एनी डाउट क्योंकि डी एच ए की पास्ट में डिलीवरी देख लें हालांकि टाइम से काफ़ी लेट होती है दो हज़ार एक में लॉन्च हुआ था डी एच ए टू अब जाके डी एच ए टू मुकम्मल हुआ तो बीस साल लगे हैं उसको डी एच ए फाइव देख लें डी एच ए थ्री देख लें डी एच ए वन देख लें या डी एच ए कोई प्रोजेक्ट देख लें बट जब भी डी एच ए लॉन्च होता है तो हमारी कम्युनिटी का जो टॉप फाइव परसेंट होता है हमारी कम्युनिटी से महाराज इन जनरल अपने सोशो इकोनॉमिक आप सर्कल uh, देखें तो उसमें तकरीबन आपका टॉप का पाँच परसेंट जो होगा जो अपने अपनी फील्ड में अपने बिजनेस में अपनी जॉब में वेल सेटल्ड होंगे वेल स्टैब्लिश्ड होंगे वो लोग डी को प्रेफरेंस करते हैं एक तो डी में फैमिली की सिक्योरिटी डी में अम्यूनिटीज डी में तमाम की तमाम चीज़ें रेगुलेट होना कोई बंदा वहाँ पर ऑफिसर नहीं है वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल भी होगा और एक सिविल भी होगा तो एक ही लाइन में दोनों घर होंगे एक ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो इसलिए डी जो है उस लिहाज से बड़ा फायदेमंद साबित होगा इन्वेस्टर्स के लिए तो जब डी में पास्ट में इतने अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं इन्वेस्टर्स के उम्मीद करते हैं कि इस दफा भी डी एच के उसी तरह इन्वेस्टर्स के अच्छे एक्सपीरियंस होंगे सो विकॉर्ज दिस वॉज इट फॉर टुडे अगर आपको किसी भी सोसाइटी के वाले से कोई भी वीडियो देखनी हो तो कमेंट में अपने ख्याल का इहार जरूर करें और बताएं मुझे उस टॉपिक के हवाले से जिसके बारे में स्पेसिफिकली आप वीडियो देखना चाहती हूँ इट कुड भी कैपिटल स्मार्ट सिटी इट कुड भी लाहौर स्मार्ट सिटी इट कुड भी न्यू मेट्रो सिटी गौजर खान इट कुड भी न्यू सिटी पैराडाइज इट कुड भी एन एसाइट जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहती हूँ तो कमेंट में अपने ख्याल का इहार जरूर करें इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी वेबसाइट विजिट करना भी मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट काम रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़